देखो बच्चों जरा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर वन बाई थ्री एक्स फाइव डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करेंगे देखो जरा, बताओ क्या करेंगे विष्णु, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले हमें इस एक्स फाइव को स्प्लिट कर देंगे, किसमें स्प्लिट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर वन बाई थ्री, इस एक्स फाइव को स्प्लिट कर दो, किसमें स्प्लिट करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो जरा, अब ये एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ, एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ, सो ये एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है बच्चों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, इसलिए हम एक्स एक्स क्यूब को पुट करेंगे, और एक्स क्यूब को नहीं, पूरे एक्स क्यूब माइनस वन को ही पुट कर लेंगे। अब बताओ इसका डेरिवेटिव, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों डी टी बाई थ्री। अब आपको क्या करना है, आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री, इस सर्कल वाली टर्म को तो लिखना है डी टी अपॉन थ्री, एक्स क्यूब माइनस वन को क्या लिखोगे, टी टी टू द पावर वन बाई थ्री, टी टू द पावर वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से निकालोगे, इस एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, टी प्लस वन, तो यहां पर आप रखेंगे टी प्लस वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, डी टी अपॉन थ्री, क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन थ्री, आई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। इसको इंटीग्रेट करने से पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, टी टू द पावर, ये टी टू द पावर वन बाई थ्री है, दिस इज टी टू द पावर वन, सो मल्टीप्लाई होगा तो टी टू द पावर क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री, प्लस टी टू द पावर वन बाई थ्री को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बनेगा टी टू द पावर वन बाई थ्री डी टी। नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस वन अपॉन थ्री, टी टू द पावर वन बाई थ्री का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, टी टू द पावर, पावर एक बढ़ाएंगे, फोर बाई थ्री प्लस वन सेवन बाई थ्री, क्या होगा सेवन बाई थ्री, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये पावर बनेगी सेवन बाई थ्री, सो इसकी पावर हो गई सेवन बाई थ्री डिवाइडेड बाई सेवन बाई थ्री, तो ये थ्री बाई सेवन हो जाएगा, थ्री से थ्री कट, अच्छा अभी नहीं काटना क्योंकि वो कंप्लीट का है, ठीक है, ये कंप्लीट का है, प्लस टी टू द पावर वन बाई थ्री, वन बाई थ्री में वन ऐड करेंगे, वन बाई थ्री प्लस वन, दिस इज फोर बाई थ्री, सो यहां पर टी की पावर क्या आएगी, फोर बाई थ्री इंटू थ्री बाई फोर प्लस सी, क्योंकि थ्री बाई फोर से, फोर बाई थ्री से डिवाइड करोगे और रेसिप्रोकल होगी, थ्री बाई फोर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर हम टी की वैल्यू डाल देंगे, सो आई क्या बन गया, आई क्या बन गया, वन बाई थ्री, थ्री को कॉमन निकाल के आप कट भी कर सकते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन होता है डीटी अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ ही डीटी आता है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ ही डीटी चला जाता है, इंटीग्रेट करने के बाद ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, डीटी भी हट जाएगा, सो दिस इज वन बाई थ्री, थ्री को कॉमन निकाल के मैंने बोला कट कर देंगे आप, सो दिस इज वन बाई सेवन टी टू द पावर, टी को क्या रखेंगे बच्चों, बताओ टी की वैल्यू, बताओ टी की वैल्यू बताइए, टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर सेवन बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर, अगेन टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर फोर बाई थ्री प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा, अगर कॉमन ले रखा हो तो कुछ आप कॉमन भी ले सकते हैं,
थ्री बाई, अच्छा थ्री बाई फोर में से थ्री कॉमन ले लिया था तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई फोर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स क्यूब। बच्चों ये एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का। सो आपको क्या करना है, क्या पुट करेंगे बताओ जरा, पुट टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब है, क्यूब लगाओ भी यहां पर, इसको हम टी पुट करेंगे। अब टू का डेरिवेटिव जीरो, थ्री एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, ठीक है दिस। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री, क्या आएगा ये डी टी अपॉन थ्री, सॉरी नाइन, डी टी अपॉन नाइन, करेक्ट। सो आई किस में कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह बच्चों रखेंगे आप डी टी अपॉन नाइन, डी टी अपॉन नाइन, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह क्या रखेंगे डी टी अपॉन नाइन, तो नाइन को आप लिखेंगे बाहर, अपॉन टू प्लस थ्री एक्स क्यूब, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इज टी, सो इसके जगह क्या लिखना है आपको टी, सो ये होगा हो जाएगा टी क्यूब। सो आई इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन टी टू द पावर माइनस थ्री डी टी, एंड वट इज इट्स इंटीग्रेशन, टी टू द पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई नाइन टी टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस सी, ये क्या बन गया बच्चों बताओ जरा, माइनस ऑफ 18 एंड टी की क्या पावर है, टी की पावर माइनस टू है, उसको भी वन अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, सो माइनस वन बाई 18 और टी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू क्या है टू प्लस थ्री एक्स और इसका क्या स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आएगा। नहीं गलत तो वो भी नहीं है, ठीक है चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्स लॉग एक्स टू द पावर एम डी एक्स। अब ये बताओ किसका डेरिवेटिव आपको यहां पर नजर आ रहा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें यहां दिखाई दे रहा है, सो हम क्या पुट करेंगे, लॉग एक्स को टी पुट करेंगे, बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ, वन बाई एक्स इंटू में क्या लिखना है दैट इज इक्वल टू डी टी, दैट इज इक्वल टू डी टी, ओके अरमान सर, अरमान सर को समझ नहीं आया, अरमान सर नहीं आया, वन बाई एक्स और डी एक्स इन दोनों को क्या लिखेंगे डी टी, और नीचे लॉग एक्स को लिखा हमने टी, तो टी टू द पावर क्या बनेगा ये टी टू द पावर एम, इसको क्या लिखेंगे टी टू द पावर माइनस एम इन टू डी टी, बताओ इसका इंटीग्रेशन, पावर एक इंक्रीज कर देंगे, पावर एक इंक्रीज कर देंगे एंड नई पावर से डिवाइड, आई इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस एम प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई माइनस एम प्लस वन, भाई माइनस एम को आप एक इंक्रीज करेंगे तो माइनस वन प्लस एम हो जाएगा, प्लस में सी, अब बताओ टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, लॉग एक्स, अच्छा ये माइनस एम प्लस वन है इसको मैं वन माइनस एम लिख सकता हूं या नहीं, और नीचे नीचे भी वन माइनस एम प्लस, समझ आया, ठीक है ऐसे करेंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो जरा, I इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव किसका है? 9 माइनस 4x स्क्वायर का, पूरे का डेरिवेटिव है, ठीक है? जो कांस्टेंट वगैरह होंगे उनको हम एडजस्ट कर लेंगे। सपोर्ट क्या करोगे, 9 माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू t, 9 का डेरिवेटिव 0, 4 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज इक्वल टू इनटू dx, दिस इज इक्वल टू tt, यहां से क्या बन गया, माइनस 8x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dt, dx x dx, x dx इज इक्वल टू dt by माइनस 8, x dx इज इक्वल टू dt by माइनस 8, ठीक है बच्चों? बताओ जरा, x dx के जगह क्या लिखेंगे? x dx के क्या लिखेंगे, dt upon माइनस 8, तो माइनस 1 by 8 को बाहर लिखना है, और इसको 9 माइनस 4x करके हमने क्या पुट किया था, t, राइट? सो बताओ इसका इंटीग्रेशन, बताओ जरा, बताइए इसका इंटीग्रेशन, बताइए, log mod t, वेरी गुड, log ऑफ mod t प्लस c, t की वैल्यू क्या रखेंगे, t की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, सो ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन। एक बात बताओ, अगर आंसर में ये माइनस साइन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आंसर में ये माइनस साइन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, 1 बाई 8 लॉग ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर, जो मॉड है 9 माइनस 4x स्क्वायर, उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1, पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1, सो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई 8 log of 1 upon 9 minus 4x square, क्या लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है? इस प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने वहां पर, log of m to the power minus m, क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है, तो इसके साथ ये माइनस नंबर भी आगे आ जाएगा, ठीक है? या आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो log m टू द पावर माइनस है, ये क्या होता है, माइनस m माइनस 1, माइनस 1 आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है ना, माइनस 1 आगे आ जाएगा log of m, ठीक है? क्या पुट करेंगे बताओ, 2x प्लस 3 को t पुट करना है, बताओ इसका डेरिवेटिव, 2 इंटू डी एक्स, 3 का हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू डी टी, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल i इज इक्वल टू e टू द पावर t, और dx को क्या लिखेंगे, dt टी बाई dx को क्या लिखेंगे, dt टी बाई 2, ठीक है, दिस इज t, dx इज dt टी बाई 2, I इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन बताओ जरा, e टू द पावर t का क्या रहता है, e टू द पावर t रहता है, प्लस में क्या होगा, c, सो so, I क्या बन गया, 1 बाई 2 e टू द पावर t इज व्हाट, t क्या है, 2x प्लस प्लस c, ठीक है? देखो जरा, डायरेक्ट भी होता है बच्चों, फिर आपको आना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में करते थे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फोर एक्स, क्या लिखते थे इसको, कॉस
4x डिवाइडेड बाई 4 ऐसा करते थे ना, अगर आपके पास जैसे इंटीग्रेशन आया था, मुझे करना होता तो मैं इसको कभी टी पुट नहीं करता, e टू द पावर 2x प्लस 3 आया था, मैं इसको कभी टी पुट नहीं करता, मैं सीधा इसको e टू द पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी लिखता, ठीक है। तो जब आपको अच्छे से आ जाएगा तब आप ये cos 4x into 4 आएगा, this is called EOI, effect of integration, this is called EOI, ठीक है। चले आगे, इसको कैसे करेंगे भाई, x into e to the power माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स कैसे करोगे बताओ जरा, इसको एक्स स्क्वायर को क्या ले ले, एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं, किसको पुट करोगे, रादर माइनस एक्स स्क्वायर को ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये हमने पुट किया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x into dx लिखेंगे, this is equal to what dt, so x dx की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt upon minus 2, x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt upon minus 2। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, आई बताओ, बताइए क्या लिखा है आई को, x एंड dx, ये तो होगा dt अपॉन क्या होगा, dt अपॉन माइनस 2, और जो हमने ये बीच वाली टर्म e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जो माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया है, माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है ना, क्या बनेगा, e टू द पावर t, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है तो e टू द पावर t होगा, और ये x और dx मिलके क्या हो जाएंगे, dt by minus 2, minus half को बाहर लिखेंगे, I is equal to minus 1 by 2, बताओ et का integration, et का integration क्या रहेगा, et ही रहेगा plus में c, I is equal to बताओ minus half e to the power t क्या है, minus x square plus c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। एटींथ क्वेश्चन, इधर आओ, क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx क्या हो जाएगा, ओ सॉरी डेरिवेटिव देखो किसका है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन, तो टेन इनवर्स एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज व्हाट, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। सो बच्चों ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये किसके साथ चला जाएगा, डी टी के साथ, क्या बनेगा ये, देखो हमने टेन इनवर्स एक्स को तो टी पुट किया है, सो ई टू द पावर टी बन गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये क्या है, डी टी, ये सब डी टी में चला गया, सो आई क्या आया हमारे पास, ई टू द पावर टी डी प्लस ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर टी होगा प्लस में सी, I is equal to e to the power t क्या है, tan inverse x, t क्या है, tan inverse x plus c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या किसी टर्म का डेरिवेटिव दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया, हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस वन को कन्वर्ट करेंगे, कैसे,
बच्चों इसके न्यूमरेटर को हम e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं e टू द पावर x से, कर दिया ना डिवाइड। अगर हम ऐसे डिवाइड करें, न्यूमरेटर देखो क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1, इसके नीचे क्या लिखें ex, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, ठीक है। अब ये दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं, e टू द पावर 2x अपॉन ex माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, समझ आया? अच्छा, कट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ये समझ आया। जब e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस x। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे हम, तो डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, e टू द, अच्छा अकेले न्यूमरेटर को तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, अकेले न्यूमरेटर को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x लिखेंगे, यहाँ पर फिर से कैंसिल होगा, ये वाली टर्म क्या बनेगी, e टू द पावर x, नीचे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये टर्म क्या बनेगी, e टू द पावर माइनस x, ये आएगा, क्या आएगा डिनोमिनेटर, क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx, dx ऐसे ही रहेगा। कब कैसे हुआ ये, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ex, डिवाइड करने पे, क्या करने पे, डिवाइड करने पे। अब बच्चों अब बताओ क्या किसी का डेरिवेटिव है यहां पर, यस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, क्या पुट करें, e टू द पावर x दिस इज इक्वल टू t, क्या पुट करें, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बताइए e टू द पावर x का डेरिवेटिव, बताइए क्या है e टू द पावर x का डेरिवेटिव, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर माइनस x इंटू में x का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज माइनस 1, वो माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, और हॉल इंटू क्या लिखेंगे, dx, dx को हर टर्म के साथ बार बार ना लिख के एक ही बार लिख देते हैं, क्या बन गया, राइट हैंड साइड में देखिए t का डेरिवेटिव dt, ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt, समझ आया, ठीक है, ओके अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन क्या बन गया भाई, आई इज इक्वल टू ऊपर बन गया dt और नीचे क्या बन गया t, 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन log mod t, log ऑफ mod t प्लस c, t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ t, किसको सब्स्टिट्यूट किया था, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, सो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, चलें आगे, बताओ इसका इंटीग्रेशन, बताओ इसका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ा था e टू द पावर x माइनस दिस अपॉन e टू द पावर x दिस, उसमें यहाँ वन दिया हुआ था, हमें बनाना पड़ा था ex या माइनस ex जो भी, ठीक है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बनाने की जरूरत ही नहीं होगी आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, सो आप ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x दिस इज इक्वल टू t, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को क्या पुट कर देंगे, अब इसका डेरिवेटिव बताओ,
ए टू द पावर टू एक्स का ए टू द पावर टू एक्स इंटू टू प्लस में इसका डेरिवेटिव बताओ ए टू द पावर माइनस टू एक्स इंटू में पावर का डेरिवेटिव टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स का डेरिवेटिव बताओ माइनस टू तो यहां माइनस टू आ जाएगा इंटू डी एक्स कंप्लीट के साथ एक बार में ही लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डी टी अच्छा टू यहां से कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा ई टू द पावर टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी टी बाई टू अब अपने क्वेश्चन को देखिए क्या अपने क्वेश्चन में I is equal to अच्छा ये बताओ हमने T डिनोमिनेटर को लिया है ना हमने T किसको लिया है डिनोमिनेटर को T लिया है न्यूमिनेटर को ध्यान से देखिए e to the power 2x minus 1 e to the power minus 2x dx कितना है dt by T dt by T और 2 को कहां लिख देंगे 1 by 2 1 by 2 dt by t is what log modulus of t plus c log mod of t क्या लिखेंगे e to the power 2x plus e to the power minus 2x प्लस सी ठीक है बच्चों समझ आया ये डेफिनेट इंटीग्रल दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं अब अभी हम इसमें प्लस में सी होता है और जब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल इसमें सी नहीं होता इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस में सी होता है और डेफिनेट में प्लस में सी नहीं होता है समझ आ गया क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में कहीं पर भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाए क्या आ जाए आओ भाई हाँ तो मैंने पिछले क्या बताया था आपको टेंजेंट स्क्वायर जहां भी आ जाता है इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन में जहां भी टेंजेंट स्क्वायर आ जाए आंख बंद करके उसको क्या लिख दो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन ठीक है क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा ही नहीं अगर आपके पास आ जाता है कॉट स्क्वायर एक्स तो इसको क्या लिखना है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अगर आपके पास आता है साइन स्क्वायर एक्स तो आप इसको क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आपके पास आता है कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिखना है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 समझ आया ठीक है ये आपको यूज करना है टेंजेंट स्क्वायर एक्स आए तो क्या लिखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट स्क्वायर एक्स आए तो क्या लिखना है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स आए तो क्या लिखना है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स आए तो क्या लिखना है समझ गए अब हमारे क्वेश्चन में क्या आया हुआ है देखो अब दो तरह से कर सकते हो या तो तुम 2x माइनस 3 को पहले पुट कर लो या बाद में कर लेना पहले करना इजी रहेगा तो पहले तुम पुट कर लो पुट 2x माइनस 3 को t सो डेरिवेटिव क्या हो गया 2dx इज इक्वल टू dt 2dx क्या हो गया dt i इज इक्वल टू बताओ I इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ 2x माइनस 3dx माइनस वन नहीं लिखा चलो माइनस वन dx ठीक है अब पुट करो 2x माइनस 3 को अच्छा एक मिनट रुको भाई एक मिनट गड़बड़ हो गया
हमने क्या किया है, हमने पुट किया है ना टेंजेंट इसको 2x माइनस 3 को क्या पुट किया, t, तो ये बन गया tan स्क्वायर t बन गया। और dx को क्या लिखेंगे, dt by 2, dx को क्या लिखेंगे, dt by 2, so i is equal to 1 by 2, टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको पहले सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 लिखना पड़ेगा, dt क्या लिखना पड़ेगा, सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 dt, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, बताओ सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखोगे, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t, x को 1 को क्या लिखोगे, प्लस में c, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, secant square x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan t, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, प्लस में c, i is equal to 1 by 2, tangent of t, t बताओ क्या है, 2x माइनस माइनस आगे भी t को क्या लिखोगे, 2x माइनस 3 प्लस में c। अब देखो बच्चों आपके पास आंसर में ये 2x तो होगा पर वो माइनस का 3 नहीं होगा, देखो जरा ये क्या हो गया भाई, हाफ ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 3 ये आ गया माइनस, इस हाफ को इसके साथ 2x माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, x माइनस प्लस 3 बाई 2 प्लस c, लेकिन आंसर में ये 3 बाई 2 नहीं होगा, क्यों, उन्होंने क्या किया, इसको c1 किया, इसको c1 लिखा, और ये 3 बाई 2 प्लस c1 कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट लिख दिया उसको, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये आंसर आएगा। तो पीछे आप बुक में आंसर देखेंगे तो ये आंसर होगा, नहीं ऐसे नहीं छोड़ना होता, आधा नंबर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, वीडियो पॉज है, देखो जरा, 7 माइनस 4x को क्या लेंगे, 7 माइनस 4x को क्या लेंगे, t, तो माइनस 4 dx क्या बन गया, dt, dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt by 4, सो i हमारा क्या बना, secant square को क्या लिखेंगे, secant square ही रहेगा ये तो, t, ठीक है, और dx से जगह क्या लिखोगे, dt upon माइनस 1 by 4, माइनस 1 by 4, secant square t, सीकेंट स्क्वायर टी को क्या लिखे, टेंजेंट टी, क्या लिखे, टेंजेंट टी प्लस सी, आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 टेंजेंट टी, टेंजेंट ऑफ टी की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, 7 माइनस 7 माइनस 4x प्लस सी, समझ आया, माइनस 1 बाई 4 टेंजेंट ऑफ 7 माइनस 4x दिस। अब अगर आपको अच्छे से आ गया तो बच्चों x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, माइनस 4 से आप डायरेक्टली डिवाइड करके लिख सकते हैं, अगर इसको अब जब आप अच्छे से इंटीग्रेशन करना सीख जाओगे, या जब क्वेश्चन के बीच में ही आएगा ना, बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ये थोड़े ना आएगा इंटीग्रेशन करना, बड़ा सा क्वेश्चन होगा और उसके बीच में ये टर्म आएगी कहीं कहीं एक स्टेप में, तो इतना कुछ थोड़े ना करेंगे, वहां पर तो एक ही क्वेश्चन में चार पांच जगह ऐसी ऐसी टर्म्स होंगी जहां पर हमें कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो ऐसे पुट करके करेंगे तो सम तो बहुत लंबा हो जाएगा, वहां पर आप डायरेक्ट करेंगे सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इतना 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाय माइनस 4, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो वहां पर ये डायरेक्ट करेंगे प्लस c है ये c, ठीक है।
देखो जरा किसका डेरिवेटिव गिवन है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव गिवन है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। बताओ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है तो बच्चों ये वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिला के क्या हो जाएगा, डी टी। दिस इज साइन इनवर्स को तो हमने टी पुट किया है, टी इंटू डी टी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू डी टी और प्लस सी। सो टी की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, टी स्क्वायर है भाई, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लगाओ। ठीक है साइन इनवर्स को हमने टी लिया था इसलिए टी डाल दिया और ये सर्कल वाली दोनों टर्म किस कहां पर चली गई, डी टी के अंदर, ये डी टी बन गई दोनों मिला के, तो टी डी टी बना, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू और टी की वैल्यू को वापिस डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बताओ किसका डेरिवेटिव, किसका इंटीग्रेशन क्या दिया है, किसका डेरिवेटिव दिया है, सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स। बच्चों यहां से पहले आप डिनोमिनेटर से टू कॉमन लो, ऊपर क्या है टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, नीचे क्या दिया हुआ है सिक्स, सिक्स में से आपने टू कॉमन ले लिया, थ्री कॉस एक्स प्लस, अब देखो क्या डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव है ऊपर, है या नहीं, इसलिए क्या पुट करोगे, पुट थ्री प्लस कॉस एक्स, नो नो नो, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, टी, थ्री कॉस एक्स क्या बन जाएगा माइनस थ्री साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, प्लस टू साइन एक्स क्या बन जाएगा टू कॉस एक्स, दिस इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, डी एक्स को बार बार अलग अलग टर्म्स के साथ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक साथ लिख दो, होल इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है सो न्यूमरेटर क्या बन गया बच्चों, डी टी, न्यूमरेटर क्या बन गया डी टी, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो क्या बन गई, टू कॉस एक्स माइनस थ्री, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये क्या हो गया डी टी डिवाइडेड बाई टी। सो आई क्या आ गया वन बाई टू लॉग टी प्लस सी, वन बाई टू, बताओ टी की वैल्यू बताओ क्या है, टी थ्री कॉस एक्स लॉग ऑफ, लॉग ऑफ थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों किसका डेरिवेटिव है यहां पर, इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन देख लिया ना अच्छे से, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये जो अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है इसको अगर हम न्यूमरेटर में लिख दें, या अपॉन में कॉस स्क्वायर है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देती है क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और नीचे है वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है देखो जरा सीकेंट स्क्वायर एक्स वन माइनस क्या बन गया, अच्छा अब अगर हम पुट सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है टेंजेंट का, तो किसको पुट कर दें, पुट नहीं नीचे का खोला नहीं करते हैं,
वन माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी ठीक है क्या हो जाएगा माइनस डी टी। सो हम न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो आप बताओ माइनस ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस ऑफ डी टी बाई बताओ आई क्या बन गया टी टू द पावर माइनस टू डी टी टी टू द पावर माइनस टू डी टी क्या होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन टी की पावर को एक कम एक इंक्रीज कर देंगे तो माइनस वन आ जाएगा डिवाइडेड माई माइनस वन प्लस सी इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हुआ तो माइनस टू से क्या बनेगा माइनस माइनस क्या हो गए प्लस सो आई इज इक्वल टू बताओ जरा वन बाई टी प्लस सी एंड व्हाट इज टी टी क्या है वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट रूट एक्स को अच्छा इसमें किसका डेरिवेटिव है भाई किसका डेरिवेटिव है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन रूट एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय रूट एक्स किसलिए किसको पुट कर लें रूट एक्स इज इक्वल टू टी क्या होगा इसका डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू व्हाट डी टी वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल होगा तो टू को हम राइट साइड में लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू टू डी टी यहां पर साथ में डी एक्स भी लिख लो। अब देखो बच्चों ये वन बाय रूट एक्स और डी एक्स मिलके क्या हो जाएंगे डी टी कॉस टी दिस इज क्या बनेगा ये डी एक्स से लेके क्या लिखोगे बच्चों डी टी लिखोगे और टू को लिख देंगे बाहर टू डी टी लिखना था ना तो टू को बाहर लिख देंगे। अब बताओ कॉस टी का इंटीग्रेशन कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस में सी बोलो जरा टी को वापस रिप्लेस करो टी को वापस रिप्लेस करेंगे तो कितना बन गया टी क्या है रूट एक्स प्लस सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो बच्चों साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो किसको पुट करोगे साइन 2x को क्या पुट करेंगे टी बताओ डेरिवेटिव कॉस 2x इंटू टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी टी सो कॉस 2x डी एक्स किसके इक्वल हो गया डी टी अपॉन टू आई क्या बना रूट ऑफ टी कॉस टू एक्स क्या बनेगा कॉस टू एक्स डी एक्स पूरा कंप्लीट मिलके क्या होगा डी टी बाई टू आई इज इक्वल टू वन बाई टू रूट टी का इंटीग्रेशन रूट टी होता है टी टू द पावर हाफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर वन इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेड पावर तो टी टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू करेंगे तो क्या बन जाएगा दिस आई इज इक्वल टू इससे इसको कट कर दो टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी
I is equal to 1 by 3. What is D? Sine 2x. Sine 2x. ठीक है, sin 2x plus raised to power 3 by 2 plus C. समझ आया? Nice. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. क्या पुट करेंगे? 1 plus sin x का डेरिवेटिव cos होता है, और वैसे भी डिनोमिनेटर में ये टर्म रहेगी, तब तक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो हम इसका कर ही नहीं सकते. तो 1 plus sin x को क्या लेना है? t cos x dx is equal to what? dt. cos x dx क्या हो गया? dt. तो i क्या बना? dt cos x dx तो कंप्लीट क्या हो गया? dt. और 1 plus sin x को क्या लोगे? t. t. बताओ क्या लिखें? ये t नीचे रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्या लिखना पड़ेगा इसको? माइनस हाफ. न्यूमरेटर में अगर लिखोगे तो क्या पावर लिखोगे? माइनस हाफ. i क्या आ गया? इसकी पावर को एक इंक्रीज कर देंगे, डिवाइडेड बाय न्यू पावर. तो पावर क्या बन जाएगी? पावर एक इंक्रीज करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगी. माइनस हाफ में वन ऐड करोगे प्लस हाफ हो जाएगी. डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे तो टू बाई वन हो जाएगा. टू बाई वन इज टू प्लस में सी. एंड टी की वैल्यू क्या है बच्चों? बताओ टी की वैल्यू. वन प्लस साइन एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस सी. इसको आप रूट की टर्म में भी लिख सकते हो. रूट की टर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? टू रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन